बताएं जैन साहब आज का शेयर। इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन। कई बार मैं सोचता हूं अनिल जी की रोज रोज जेम्स कहां से निकलेंगे, बट बिल्कुल मतलब रोज जब रिसर्च करते तो कहीं ना कहीं नया नया नाम निकल के आता है और यह भी एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और इतने दिनों से क्यों बचा हुआ था मुझे नहीं पता, बट यस कुछ क्राइटेरियाज ऐसे थे जिनको मैं देख रहा था तो बहुत जबरदस्त है। मतलब आप सबसे बढ़िया देखिए, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पीवीसी सॉलिड वुमेन बेल्टिंग का, जो माइनिंग में और सब जगह काम आता है, और करीब 90% अपने प्रोडक्शन का ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल कन्वेयर्स देखिए 1978 से कार्यरत है, करीब 35-36 साल का जबरदस्त एक्सपीरियंस। और कैलकटा बेस्ड राजेंद्र जी डाबरीवाला इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज लगी कि पीएनबी मेटलाइफ में अपने ग्रुप कंपनीज के थ्रू 15% स्टेक होल्ड करते हैं। तो इस तरीके की पेडिग्री है कंपनी की, बहुत पुरानी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, मैं देख रहा था इनकी रेटिंग्स भी देख रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और जो अंडरग्राउंड माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स में ये सब में बेल्टिंग जनरली यूज होता ही है, ये सबको पता ही है। और अब उसके बाद मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जबरदस्त नंबर्स है कंपनी के। और आप ये देखिए कि जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की हुआ करीब 44-45%, प्रॉफिट की कैगर जो वो 61%, और जून का क्वार्टर बेहतरीन क्वार्टर था जून का, और सीधा 1,73,00,000 से सीधा 5 करोड़ के लगभग 4,74,00,000। और पिछले अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन कंपनी ने दिया, 20 करोड़ अब कंपनी कमाने लग गई है। तो 450-450 करोड़ की कंपनी है जो कि अच्छा पैसा कमाने लगी, और डिविडेंड यील्ड भी 1.62% है। तो इस तरीके के फंडामेंटल्स है, डेट्स को ये लोग कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहे हैं, हर पैरामीटर में मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो उसमें कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, और मधु केला जी की भी इसमें छोटी मोटी हिस्सेदारी है, 1.76% हिस्सेदारी है, और FIIs की 17.5% के लगभग की हिस्सेदारी है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लें, देख रहा हूं कि काफी चल चुका है स्टॉक, और मैंने टारगेट तो मैं लाया था 71 का, बट ये इसने हाईज पहले के 79 छुए हैं, तो मुझे लगता है कि 75 से 80 रुपए तक के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरनेशनल कन्वेयर्स, ये कंपनी जो है पसंद जैन साहब को, स्टॉक तगड़ी दौड़ लगाता हुआ 13% मजबूत है आज के सेशन में जैन साहब की रिकमेंडेशन के बाद। जैन साहब के टारगेट है 75 से 80 रुपए, 75 से 80, जैन साहब 75 रुपए का टारगेट, ये 3 से 6 महीने का है या 3 से 6 घंटे का? मैं तो 71 रुपया का टारगेट लिख के लाया था, 70 रुपया, 71 रुपया, मुझे लगा कि भाई 62-63 रुपया है वहां से, 70 भी ठीक है मार्केट से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में ये 80 रुपया तो इजिली क्रॉस करेगा, बट बात सही कही आपने, 3 से 6 घंटे में।